मैं प्रियांगना संपूर्ण ब्लूशम की ओर से आप सभी को अग्रसेन जयंती की बधाई देती हूँ। आज मैं अग्रसेन जी के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अग्रसेन जी का जन्म महाराजा वल्लभ सेन जी के घर हुआ। वे वल्लभ सेन जी के सबसे बड़े पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ में हुआ। जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय के राजा अपनी प्रजा के हित में कार्य करते थे, अपने देशवासियों से प्रेम करते थे और अपने देश के प्रति सेवा भाव प्रकट करते थे। ये सब सिद्धांत महाराजा अग्रसेन के भी थे, जिनके कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। आज हम उनके जन्म दिवस को अग्रसेन जयंती के रूप में मनाते हैं। वैश्य समाज के अंतर्गत अग्रवाल समाज के साथ जैन, महेश्वरी, खंडेवाल समाज भी आते हैं। ये सब समाज एकत्र होकर अग्रसेन जयंती मनाते हैं। महाराजा अग्रसेन जी के तीन आदर्श थे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता व समरूपता। सामाजिक समानता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ईंट और एक रुपये आदर्श सिद्धांत की घोषणा की, जिसके अनुसार उनके नगर में आने वाले हर नए परिवार को नगर में रहने वाले हर परिवार द्वारा एक ईंट और एक रुपया दिया जाने लगा। ईंटों से वे अपने घरों का निर्माण कर सकते थे और रुपयों से वे अपने व्यवसाय, अपने कारोबार को आरम्भ कर सकते थे। इस तरह उनके समाजवाद के प्रणेता होने का सबूत मिलता है। अग्रसेन जी जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने 18 यज्ञ का आयोजन किया। उस समय बलि प्रथा का चलन था और 18वें यज्ञ में जब पशु की बलि दी जाने लगी तो उनके मन में बहुत घृणा उत्पन्न हुई, जिससे उन्होंने उसी समय उस बलि को रोक दिया और घोषणा की कि आगे से कोई भी निर्दोष पशु की बलि नहीं देगा, और सबको यह संदेश दिया कि हमें जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और बलि प्रथा का खंडन कर दिया। उनके इन्हीं गुणों के कारण आज अग्रवाल समाज के वंशज उनका जन्म दिवस इतनी धूमधाम से मनाते हैं। पालकियाँ निकलती हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं और उनका पाठ पूजन व आरती भी की जाती है। भारत सरकार ने 1976 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। महाराजा अग्रसेन जी के कुछ नेक विचारों में से कुछ विचार हैं, जिस प्रकार हम कहते हैं कि हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग चाहिए, उसी प्रकार हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हम ये कह सकें मृत्यु से पूर्व ही हमें स्वर्ग प्राप्त हो गया। महाराजा अग्रसेन ने नव समाज की स्थापना की और वैश्य समाज का उद्धार किया। वे एक महान संस्थापक थे और एक महान व्यक्ति थे। धन्यवाद।